Do you think there is a bias toward females in our Indian society? Yeah, completely. No. They are like underprivileged, I guess, in some areas. Yes, I believe so. There is going to be always a bias whenever we look at women from any point of view. हम जितनी लड़कियों से बात कर रहे हैं वो लड़कियाँ ये कह रही हैं कि नहीं हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें बराबर की सैलरी नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती है? सबको मिलती है. सबको इक्वल एंड मिलती है. आई डोंट थिंक सो देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज. नो, आई हैव सीन लैटिन जैस अ वेरी गुड कंट्री. ओके, देयर इज नो बायस. एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग. टीचर्स बोलते थे कि शायद लड़कियों से ये काम नहीं होगा. इज इट लाइक ओनली फ्रॉम टीचर्स या पेरेंट्स भी कहते थे कि पेरेंट्स ने तो आज तक ऐसा नहीं किया क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो हर बच्चा समान होता ना, लड़का ना लड़की. तो टीचर्स वर मोर टुवर्ड्स द बॉयज एंड लेस टुवर्ड्स द गर्ल्स. लाइक आई थॉट लाइक आई डोंट एग्री विद यू हियर. आई थॉट लाइक मोर गर्ल्स आर मॉनिटर्स एंड हां मिलता तो है. Yeah, there is kind of things like they always underestimate the women, no? कि ये बाहर का काम नहीं कर सकती इसे ना. They cannot visit the other companies and for the trades and all. So कहीं ना कहीं वो चीज फर्क पड़ता है. Discover that females getting equal opportunities. Equal treatment तो नहीं है females को उतना नहीं, but time has changed a bit. From some time girls have come forward. Being more educated, तो थोड़ा सा फर्क है. Institution में भी मिलता है हमारे संविधान में. Although there's been a growth in being like that equality thing between girls and जब हम लोगों ने graduation की थी उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो अच्छे well educated होते हुए भी घर पे रहती थी. Prefer करते थे कि हमें working लड़की नहीं चाहिए. कि भाई working हो या फिर घर पे काम करे. Sir working मतलब job. First of all, I haven't selected a guy like that who would say कि नहीं घर बैठ के घर का काम कर. और वो वर्किंग होती है तब वर्क करने दोगे उसे? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम नहीं कर सके हो ताकि वो फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट हो सके और वो बोल्ड और ब्रेव बन सके. जस्ट सपोज लाइक यू आर मैरिंग अ गाय हु इज लाइक अल्ट्रा रिच टॉल डार्क हैंडसम काइंड ऑफ गाय एंड ही इज लाइक यू डोंट हैव टू वर्क. सो आई वुड मैरी हिम. आई आल्सो वुड मैरी हिम. नो. Okay. Why are we spending our time, money just money. Because being a housewife? No, not at all. Okay. So if I get comfortable by not working somewhere else, so I'll definitely enjoy my life at home only. I don't think so, because that's going to be the first condition for me to marry somebody would be that I'm definitely no. You know, my parents have paid for my education. They have made me what I am today, and I want to utilize my education, whatever. You know, training I have got in my life to do something in life. I'm sorry, I won't marry that person. मैं उसको बोलती जाओ अपने घर अभी जाओ. मैं उसको चाय का पानी भी नहीं पिलाती और उसको भगा देती कि भाग जाओ. वाइफ की मर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं है. No, my identity as a person is more important to me. If I have to just look at men in general, then there's a bias towards their wives that they have to work and we have to go to office. Then if I look at women, then they have a bias that we are the modern women and we don't have to work, we have to go to office. Females are like बहुत easily promoted. No, that's not true. या ऑफ कोर्स नॉट मिलती है एडवांस प्रमोशंस वगैरह में सब कुछ में. कैसे एडवांटेज? इन द सेंस कि उनके लिंकअप्स बहुत जल्दी अच्छे होते हैं. माय सिस्टर हैज गॉट प्रमोटेड वेरी वेल. आई गेस गिवन मोर अटेंशन एज कंपेयर्ड टू द गाइस. नो, आई डोंट थिंक सो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एबिलिटीज आई गेस. प्रमोशन, सैलरी एंड मेनी अदर. डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ योर मेल काउंटर पार्ट? डेफिनेटली देयर इज. कितना परसेंट लगता है आपको? अराउंड 30-40%. फीमेल, यू नो, शी इज वर्किंग द सेम आवर, डूइंग द सेम वर्क, बट शी इज पेड लेस. आई थिंक इट्स द जेंडर बायस दैट एज ए वुमन, सिंस दे आर वीक और वी आर कंसिडर्ड टू बी वीक, तो ये ज़्यादा काम नहीं करती हैं और दे हैव टू गो बैक होम अर्ली बिकॉज दे आर गेटिंग. सो इवन इफ दे गेट प्रेगनेंट ऑल्सो दे हैव टू गो बैक होम अर्ली. वी आर पुटिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट. हर बंदे का अपना अपना सैलरी स्ट्रक्चर है आज की डेट में. आपको लगता है कि नहीं उल्टा लड़कियों को ज़्यादा अपर हैंड है उनका? हाँ, यस ऑफ कोर्स. वो इनकॉर्पोरेट इन फिजिकल मतलब उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में हर एक जगह पे उनका हाथ जो आज के डेट में लड़कों से काफ़ी हद तक ऊपर है. आई हैव सीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल आर जस्ट नॉट बेस्ड ऑन देयर टैलेंट बट बिकॉज ऑफ द जेंडर पीपल आ जाएंगे. सो दैट मेक्स मी एंशियस सम टाइम बट नॉट दैट मच. डू यू फील एनी इनसिक्योरिटी और मोबिलिटी इश्यूज व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इफ यू डोंट टेक उबर? इन चंडीगढ़
I don't think I'll feel insecure, but in Delhi, I will. आने जाने में सबसे पहले बहुत बड़ा issue है कि पहले safety होनी चाहिए कि like a woman is working on a road, she should be safe, कि she should feel safe कि अगर मैं चल रही हूँ तो there is no one following me or there is no one कि मेरे किस side पे देख रहे हैं तो they are commenting me even I am wearing a नॉर्मल ड्रेस की जाती है तो आती भी तो है। चंडीगढ़ इज मोर सेफर देन दिल्ली, बट दिल्ली में अभी भी स्टिल देयर इज अ सिचुएशन लाइक तुम्हें आज जाते जाते कोई कमेंट पास कर ही जाता है। अगर ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू गेट टू हियर दैट कि यू आर वेयरिंग अ गुड ड्रेस, यू आर समथिंग, यू नो, यू मीट अ नंबर ऑफ पीपल। एक्चुअली आई गेट कैब फैसिलिटी फ्रॉम ऑफिस, सो आई डोंट हैव दीस इश्यूज। वी हैव ट्रस्ट इश्यूज विद the auto wala's in Delhi. Okay. Just at 9:30 and someone is teasing you, the people would ignore you. Girls should be taught about how to be self confident, yeah, unko self defense jaisi cheeze sikhani chahiye. There should be a curriculum included in it because of the male dominating society. Aisa koi nahi chal raha, वैसे चल रहा है पर normal है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं चल रहा। Okay. Have already slapped many of the guys traveling in a public transport. Not think about the people, what they say and what kind of how they judge you. मतलब लड़कियां भी तो तुम्हें उस एंगल से देखती हैं, है ना? मतलब बहुत लड़कियां निकल रही होंगी, देख रही होंगी इतना स्मार्ट लड़का खड़ा है। हाँ आजकल ऐसा चल रहा है, आजकल लड़कियां मतलब कि हाँ थोड़ा लड़कियों में मतलब कि है। It was not only because कि वो नहीं चाहते वो करे, कभी कभी होता था कि लोग क्या कहेंगे कि हम हैं लेकिन फिर भी औरत काम करेगी। उनको ये लगता था कि अगर बाहर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। ग्लास सीलिंग इफेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, या इट्स शैटरिंग बिकॉज़ आई हैव सीन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गुड पोस्ट्स एज वुमेन, बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टोल ऑन देम बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ मोर स्ट्रेस बिकॉज़ दे आर गिवन नेम्स इफ दे आर टू लाउड एंड दे आर डोमिनेट if they are too soft then they are something else. One of my friend's sister, she has been asked by her husband to give a divorce or leave the job just because she's earning more than him. Ghar ke kaam wo bhi ho jate hain jo achhi ladkiyan manage karna janti hain, jo apna office sambhal sakti hain wo apna ghar bhi sambhal le. We are seen as the homemakers and caretakers, so we are like okay fine, you know, because society also expects us to not work, so we are okay with it because now we have everything that is required. So the self esteem and the self everything comes down after 30-40 years when we realize humne किया क्या है, so that's nothing. I'll take care of my family too, but I'll balance both the things. लड़कियाँ इतनी even ladies भी इतनी active और इतनी intelligent होती हैं कि वो दोनों में balance करती हैं. Driving सीखो, आप सब कुछ सीखो, आपको घर पे नहीं रहना, आपको job करनी है. It's not just because they do not want to work, it's because of the family sometimes and because of the domestic issues and because of the environment also. If the family is supporting, it's never an issue. If your family is supporting, it's never an issue. ये तो अपने दिमाग का कीड़ा ठीक करना चाहिए सबको कि लड़कियों को इक्वली अपॉर्चुनिटी दें. ऐसे नहीं भी पूरे ही मतलब कि लड़कियों के खिलाफ कर दी जाए, ठीक है, मीडियोकर होनी चाहिए लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए सेम होने चाहिए. वी आर मल्टीटास्कर, गवर्नमेंट हैज नो रोल इन दिस, राइट? दिस इज अ पर्सनस पर्सपेक्टिव दैट वुड बी बाइज फॉर बॉयज टू लाइक इफ दे आर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू वुमेन, या इवन दैट इज नॉट करेक्ट. तो लड़कियों को थोड़ा रत्न देना चाहिए था. जो नहीं वर्किंग है वो भी तो घरों में कलेश करवा देती है. यू थिंक लाइक वुमेन आर गुड इन सम स्टफ एंड मेल्स आर गुड इन सम ऑफ द थिंग्स? Definitely, there are things in which women are good and there are things where men are good. More priority given to girls for, because they tend to make the diversity and the ratio for girls. Yeah. People are preferring those offices who have the credit system. Credit should be given to anyone, be it male, female, whoever performed well. जो working है वो भी बहुत अच्छे अपने घर को संभालती है, अपने नौकरी को भी संभालते हैं, अपने बच्चों को भी देखती है. हम चाहते हैं बेटी हो हमारे घर में. We want a world where, you know, everyone is treated equal. Irrespective of gender, race, anything.